नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ शेयर जरूर कीजिए और उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में। आज मैं किसी किताब के बारे में कोई चर्चा नहीं करने वाला, कोई बुक रिव्यू नहीं डालने वाला, लेकिन बातें जो होंगी वो किताबों से संबंधित होंगी, इस किताबों की दुनिया की ही बातें होंगी। मैं अपने चैनल पर कुछ दो तीन चीज़ें मेरे मन में था, मैं कुछ आइडियाज़ आ रहे थे मेरे मन में जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो मैं इस चैनल पर स्टार्ट करना चाहता हूं। तो पहला जो आइडिया है वो ये है कि मैं अपने किताबों की प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको कोई किताब ढूंढना हो तो आपको वो ढूंढने में आसानी होगी। प्लेलिस्ट दो तीन तरीके की हो सकती हैं। एक जो होगी वो राइटर के हिसाब से होगी। तो अगर किसी एक राइटर की मैंने एक से ज़्यादा या किताबें पढ़ी हैं तो उसकी एक प्लेलिस्ट बन सकती है। दूसरी प्लेलिस्ट होगी जॉनर की। अगर कोई किताब की जिस किस तरह की किताब है वो, अगर माइथोलॉजिकल फिक्शन है, हिस्टोरिकल फिक्शन है, हास्य व्यंग है, तो उसकी एक प्लेलिस्ट बन सकती है। और एक और मैं बनाने वाला हूँ जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये एक तरह से कनेक्शन बताता है हम लोगों के बीच में, वो होगा एक सब्सक्राइबर रिकमेंडेशन। तो जब भी कमेंट्स आते हैं तो मैं उनको जब पढ़ता हूँ तो कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि लोग कुछ किताबें रिकमेंड करते हैं कि आप ये किताबें पढ़िए। और तो यही तो इस चैनल की खूबी भी है कि ना सिर्फ मैं अपनी पढ़ी हुई किताबें आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आप भी जो किताबें आपने जो पढ़ी हुई हैं, जो आपको अच्छी लगी और चाहते हैं कि और भी लोग पढ़ें, आप इस चैनल के माध्यम से उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मेरी एक प्लेलिस्ट जो बनेगी वो उसमें वो किताबें होंगी जो सब्सक्राइबर्स ने रिकमेंड की होंगी। ऐसा हो सकता है कि एक किताब आपको एक या दो या तीन तीनों प्लेलिस्ट में मिले, क्योंकि वो हर कैटेगरी में फिट होती होगी, लेकिन इससे आपको ये होगा कि वो किताब आप अगर अलग अलग कैटेगरी में उसको ढूंढ रहे होंगे तो भी वो किताब के बारे में जो वीडियो है, जो रिव्यू वीडियो है, आपको मिल जाएगी। दूसरा जो आइडिया है वो है कि जो लेखक हैं उनके बारे में कुछ चर्चा होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितनी भी किताबें पढ़ता हूँ उनके जो लेखक हैं, किस तरह की वो किताबें लिखते हैं, उनके लिखने का स्टाइल क्या है, अच्छी किताबें क्या हैं, जितनी मेरी जानकारी और जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से मैं लेखक के बारे में भी चर्चा करता रहूँगा। ये तो सेक्शन शुरुआत करने का मेन मकसद ये है कि जैसे कि हम चर्चा करते हैं, जैसे फिल्में देखते हैं, तो हम सिर्फ फिल्म के बारे में नहीं बात करते हैं। उस फिल्म को जिस डायरेक्टर ने बनाया या फिर जो एक्टर ने उस फिल्म में काम किया है, हम उसके और भी दूसरे कामों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि किस तरह की मूवी बनाते हैं, उनका बनाने का स्टाइल क्या है, उनकी टेक्निक क्या है, तो ये भी एक चर्चा का विषय बन सकता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि उसी तरीके से जो किताबें मैं पढ़ता हूँ, जिन लोगों के बारे में जो मुझे समझ में आता है, जो मेरी जानकारी है, उससे संबंधित एक चर्चा होगी और उस तरह की वीडियोस भी मैं डालने की कोशिश करूँगा। मैंने बात की थी कि मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा जिसमें सब्सक्राइबर्स रिकमेंडेशन होंगी। तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं जो आप जैसे सब्सक्राइबर्स ने रिकमेंड किया था, जैसे आद्या राजपूत हैं, उन्होंने 55 खंभे लाल दीवारें रिकमेंड की थी। सुनील कुमार पटेल हैं, उन्होंने हरमन हेस की लिखी हुई किताब सिद्धार्थ रिकमेंड की थी। तो इन किताबों के बारे में जो किताबें मैंने पढ़ ली हैं, जो मैं वीडियो डालूंगा, तो उसमें मैं उन सब्सक्राइबर्स के नाम भी लिखूंगा। तो क्योंकि उन्होंने मुझे बताया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा क्रेडिट उनको देना चाहूँगा कि अच्छी अच्छी बुक्स उन्होंने रिकमेंड की है, तो इतना क्रेडिट तो मैं देना चाहूँगा जरूर उनको। इसी तरह से मृत्युंजय प्रकाश है, उन्होंने एक बार चर्चा की थी कि यात्रा वृत्तांत से संबंधित कोई किताबें हैं तो वो भी आप पढ़िए। तो ये आइडिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये ऐसा जॉनर था जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने सुन तो रखा था, लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं था, कभी उतनी इच्छा हुई नहीं थी। लेकिन मैं उसके बारे में कुछ कुछ किताबें, नाम तो मैंने सुन रखे थे लेकिन पढ़ी नहीं थी। तो ये एक अच्छा जॉनर है जो मैं इस साल जरूर ट्राई करूँगा। जैसे एक किताब है वोल्गा से गंगा, और मैं एक ने पढ़ना भी शुरू किया है, मैंने किंडल एडिशन एक डाउनलोड किया है, उसका नाम है पैडल पैडल। तो उन्होंने एक ये यात्रा वृत्तांत है, साइकिल से वो लद्दाख गए थे, तो काफ़ी अच्छी लग रही है।
तो इस तरह की किताबें जहाँ सब्सक्राइबर्स रिकमेंडेशन है, मैं जब भी उनका वीडियो बना लूँगा तो टाइटल में उन सब्सक्राइबर्स के नाम भी ज़रूर लिखने की कोशिश करूँगा जिन्होंने वो किताब रिकमेंड की है। तो ये एक आइडिया था जो आने वाले वीडियोस में आप देख सकते हैं। कुछ पिछले कुछ दिनों में जो किताबें मैंने पढ़ी हैं उनके वीडियोस में डालने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी किताबें हैं, ताकि आपको पता रहे कि किन किताबों की वीडियोस आने वाली हैं। तो दो तो सब्सक्राइबर्स रिकमेंडेशन है, एक 55 खंभे लाल दीवारें और दूसरी किताब है हरमन हेस की लिखी हुई सिद्धार्थ। तो तीसरी किताब है रघुवंश, तो जो कि भगवान श्री राम की वंशावली है, काफ़ी अच्छी किताब है। चौथी किताब जो है वो है फांस। फांस किताब है महाराष्ट्र के किसानों के जो कर्ज के कारण जो आत्महत्या करते हैं उस पर आधारित यह किताब है। तो ये चारों किताबें आपको आने वाले वीडियोस में इनके रिव्यू आप देख सकते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस का काफ़ी प्रकोप फैल गया है, काफ़ी दुनिया में लोग इससे परेशान हो चुके हैं। तो जैसे जैसे सरकार और डॉक्टर बता रहे हैं, हम लोगों को ज़रूरत है कि वैसी उन हिदायतों को रखें ध्यान में और सावधानी बरतें। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सावधान रहें और कैसे पब्लिक जगह से जाने से जितना हो सके बचें अपने आप को। अगर घर में रह के काम कर सकते हैं तो घर में रह सकते हैं हम लोग। और लेकिन ये एक अच्छा समय भी है, अगर आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा समय, अगर आपने सोचा है, अगर आपने ये फैसला लिया है कि घर में ही रहना ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, तो एक अच्छा समय है कि आप जो बुक्स जो कई दिनों से नहीं पढ़ना चाह रहे थे आप उनको उठाएं और उनको कंप्लीट करें। तो इस समय का उपयोग आप वैसे भी कर सकते हैं, एक ये सुझाव था मेरी तरफ से। और अगर आपको नहीं पता है आपको कौन सी बुक उठाएं, तो आप मेरे वीडियोज़ को देखें और जो भी बुक आपको इंटरेस्टिंग लगती हो तुरंत ऑर्डर करें और मंगाएं और पढ़ना शुरू करें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में एक बुक रिव्यू के साथ। तब तक आप लाइफ एंजॉय करते रहिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।